सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी जोमाटो को लेकर। जोमाटो को लेकर बहुत से निवेशकों के कमेंट आ रहे हैं कि स्टॉक में आखिरकार क्या किया जाए, आगे के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या फिर नहीं, तो हम डिस्कस करेंगे। साथ में खबर भी आई अभी और बड़ी खबर, ब्लू डील के जरिए जो कंपनी के अंदर है वो हिस्सेदारी बेची जा रही है। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन करके डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम देखोगे, लगभग 24 करोड़ 80 लाख की वॉल्यूम आई है, तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई आ गई ना सुबह सुबह। 248 मिलियन 24 करोड़ की वॉल्यूम, तो जो गेम होना था, जो शेयर बिकने थे, वो यहाँ पर सुबह सुबह हमें होते हुए नज़र आ गए। तो अब यहाँ से क्या स्टॉक में एक अच्छा मूव आ सकता है? तो देखो भी, जो भाव तय किया गया था, ठीक है, आज ब्लॉक डील का, उसके जरिए अगर देखा जाए तो अच्छा खासा डिस्काउंट पर माल बेचा जा रहा है। और उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई बड़ा जो ना भी बदलाव नहीं हुआ, कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में नहीं हुई है, 1.5% मामूली सी गिरावट अभी। और उसके बाद जो शेयर है वो अभी उसी के प्राइस के आसपास घूम रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल जानकारी। जैसा कि यहाँ पर देखोगे CNBC आवास की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी, जोमैटो जो है कंपनी के शेयर में मंगलवार को ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। जानकारी के अनुसार एंड फिन सिंगापुर जो है वो ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में लगभग 1.54 जो फीसदी हिस्सेदारी है वो अपनी बेच सकता है, और जिसकी कीमत लगभग $408 मिलियन है। एंड फिन सिंगापुर जोमैटो के शेयर लगभग 251.68 रुपये के भाव में बेचेगा। तो ये फ्लोर प्राइस तय किया गया अभी 251 रुपये, जबकि स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस क्या था कल का, 263 या 264 रुपये के आसपास क्या था ना, 263 का, सॉरी। तो यहाँ पर 263 रुपये इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। उसके बावजूद भी स्टॉक में 1.5% के आसपास की गिरावट आई है, 258 रुपये के आसपास नीचे में आया, जबकि 251 में माल निकाला गया है यहाँ से। अगर स्टॉक और नीचे आता है तो समझो भी वो मौका ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, सूत्रों का कहना है कि अलीबाबा की आर्म जोमैटो के लगभग 3420 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी, और कंपनी का शेयर सोमवार को हमें हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग लेते हुए नज़र आया है। और इसी के चलते आज भी स्टॉक में हमें जो ना भी सुस्ती के साथ ओपनिंग होते हुए नज़र आ रही है। तो चलिए अब इसका चार्ट देखते हैं। उससे पहले आपको मैं एक और रिपोर्ट दिखाऊंगा इसके ऊपर जो UBS की आई है। अब यहाँ पर देखो भी, UBS की रिपोर्ट भी हमें देखने को मिली, 19 तारीख की अपडेट है, और प्रीवियस में जो शेयर है वो लगभग 6% की रैली दिखाया है अभी इसने, एक फ्रेश बाउंड भी खाए बनाया। उसके बाद UBS ने जो इसके टारगेट प्राइस है ना अभी, वो यहाँ से इंक्रीज कर दिए। तो यहाँ पर UBS ने इसके जो टारगेट प्राइस है वो आप लोग देख सकते हो भी, ऊपर में 350 रुपये के आसपास के जाने के हाईएस्ट टारगेट इसके रहने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसके जो टारगेट है वो 300 रुपये के किए हैं, नोमुरा ने इसके 280 रुपये के टारगेट किए हैं अभी, और वहीं आप लोग देखोगे बर्नस्टीन ने इसके लगभग 275 रुपये के टारगेट किए हैं। तो इसके टारगेट इंक्रीज हो चुके हैं, सभी ब्रोकरेज हाउस बिल्कुल बुलिश है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे जो UBS, इन्होंने 320 रुपये के टारगेट इसके सेट किए हैं। तो CLSA की तरफ से आया रिपोर्ट, उसके अंदर इसको जो ना भी 350 रुपये के टारगेट के साथ आगे के लिए टारगेट इसके सेट किए और बाय करने की रेटिंग दी है। तो सभी चौतरफा आप लोग देखो बाय की रेटिंग मिली हुई है, तो स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है भाई। तो यहाँ से अगर आपकी होल्डिंग है, होल्डिंग बना के चलिए, और लॉन्ग टर्म के लिए चलोगे तो आई थिंक बेस्ट है ये स्टॉक, 300+ भी निकलेगा, बट उसके लिए हमें 6 महीने 1 साल उसका भी वेट करना पड़ सकता है। तो चलिए एक बार इसका चार्ट और दिखाते हैं अब आपको। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक ट्रेंड ही दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर ऊपर में आकर, जो कि अब ट्रेंड ये स्टॉक में बना हुआ, और ट्रेंड लाइन के आसपास शेयर आया हुआ भी है। आप लोग देखोगे अपने हाई से शेयर टूटा है भाई, और यहाँ से इसके अंदर जो ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के ऊपर, जो कि रहेगा 278 का, यानी कि लगभग 280 का मान के चलिए। अगर 280 को ऊपर में ब्रेक करके ये शेयर सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में इसके 300+ जाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे भाई। तो ये इसके मोमेंटम अभी नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, अभी टाइम तो ट्रेंड लाइन का बना हुआ है भाई, या फिर जिसको रिस्क नहीं लेना है इसके अंदर उसके लिए 255 का सपोर्ट आई थिंक ठीक रहेगा, या फिर ये अगर लेवल नीचे में कटा तो ये शेयर हमें नीचे में फिर आप लोग देखोगे भी ऑलमोस्ट ये लेवल दिखा सकता है, जो कि रहेंगे इसके 250 रुपये के आसपास के, 245 रुपये के आसपास के, सॉरी। तो ये टारगेट्स हमें नीचे में देखने को मिल सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन को काट कर नीचे में 255 के नीचे सस्टेन किया, उस कंडीशन में 245-240 वो लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे देखो भाई, इसके अंदर नेगेटिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि माल निकाला जा रहा है ना ऊपर से हाई, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में, 251 रुपये के भाव में, तो
उसीलिए थोड़ा दबाव यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर रिवर्सल आता है इसके अंदर अपने ट्रेंड लाइन से तो बहुत अच्छा माना जाएगा। जिसको रिस्क नहीं लेना है वो 255 का सपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं भाई। इसके अलावा जो कोई खबरें आएंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।